हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसके टॉपिक है फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं वो बताऊंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास है रेडमी का फ़ोन है। फ्रेंड्स, अगर मेरी चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है अबाउट फोन, आप उस पर क्लिक कर देंगी। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखता है फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगी एंड क्लिक करने के बाद आपको इस वाला ऑप्शन भी क्लिक करना है, इरेजर और डाटा। इस पर क्लिक करते ही आपका फ़ोन रीसेट हो जाता है। एंड जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे और पहले उसमें जो भी आपका अकाउंट है अगर वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर तो आपका हट जाएगा। एंड मतलब इस पर क्लिक करने से पहले आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर इसमें अकाउंट है, कॉन्टेक्ट नंबर है, फ़ोटो, वीडियो, ऐप्स, डाटा, ये सब चीज़ें हैं आपके फ़ोन में, उन सब चीज़ें आपके फ़ोन से हट जाएगा और वो वापस नहीं आएगा और सबको दोबारा से बनाना होगा। आपको अकाउंट भी दोबारा से, कॉन्टेक्ट नंबर सेव करना, फ़ोटोज, ये सब चीज़ें दोबारा से करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो दूसरे फ़ोन में कनेक्ट करके तब इसको रीसेट कर सकते हैं। एंड जब रीसेट कर लेते हैं ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, पावर बटन को दबा के रखेंगे तब आपका ओपन हो जाएगा। एंड ये फैक्ट्री रीसेट इसी प्रकार से करते हैं। हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया जाता है फैक्ट्री रीसेट, यानी कि फ़ोन को रीसेट करना। और फ़ोन का रीसेट तभी करते हैं जब आपका हैंग कर रहा हो टच स्क्रीन। और इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।